ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है गमेनशाफ्ट एंड गजेलशाफ्ट। तो कई लोग इसे गमेनशाफ्ट कहते हैं और कई गमेनशाफ्ट कहते हैं, कई जमेनशाफ्ट कहते हैं, तो कुछ भी आप कह सकते हैं क्योंकि ये जर्मन टर्म्स हैं, ठीक है। और ये जिनका फेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हैं फर्डिनैंड टॉनीज, ठीक है, 1855 से 1936, ठीक है। सॉरी, फोकस सेट करना पड़ेगा। हाँ ना, ओके, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए देखिए क्या कुछ इससे हमें सीखने को मिलता है। तो आगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड, अब देखते हैं। ओके, नाउ पे योर अटेंशन प्लीज। दीज टू आर जर्मन टर्म्स, ओके, ठीक है। कौन कौन सी? गमेनशाफ्ट एंड गजेलशाफ्ट जर्मन टर्म्स हैं, ठीक है। तो जर्मनी के ये फिलोसोफर थे, तो ये जर्मन टर्म्स हैं, ओके। दिस कंसेप्ट वॉज पुट फॉरवर्ड बाई ए जर्मन फिलोसोफर एंड सोशोलॉजिस्ट, ठीक है। ये दोनों टर्म्स जर्मन फिलोसोफर द्वारा दी गई हैं, ओके, ठीक है। सोशोलॉजिस्ट थे वो। ही वॉज बोर्न ऑन 26 जुलाई 1855 एंड डाइड ऑन 9 अप्रैल 1936, ठीक है। तो ये उनका पूरा लाइफ टाइम था, 1855 से 1936 तक। इनको ऊपर किसी मेंट्री पे भी आपने देखा लिखा था। ही मैंशन डेट ए ट्रांसफॉर्मेशन अकर्ड इन सोसाइटी ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आई, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो रूरल सोसाइटी एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में चेंज हो गई, मॉडर्न न्यू मॉडर्न सोसाइटी में चेंज हो गई। तो उसकी वजह से सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, उस सोसाइटी के कैसे क्या उसमें होता था, क्या उनका उठने बैठ मेल जोल कह सकते हैं, मेल जोल इंटरेक्शन, बेसिकली वी कैन से इंटरेक्शन का क्या तरीका था उनमें, रूरल सोसाइटी में इंटरेक्शन कैसे होती थी और मॉडर्न सोसाइटी में इंटरेक्शन कैसे होती थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो चेंजेस आए उसमें। तो आगे देखते हैं क्या है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये है, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजली। ही मैंशन डैट ट्रांसफॉर्मेशन अकर्ड इन सोसाइटी ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये चेंजेस आई। ही मैंशन अबाउट गमेनशाफ्ट एंड गजेलशाफ्ट कंसेप्ट इन हिज बुक कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी एंड सोसाइटी, ये आपको बुक का नेम याद रखना है, जो कि पब्लिश हुई थी 1887 में, ठीक है। तो गमेनशाफ्ट और गजेलशाफ्ट दो कंसेप्ट इन्होंने अपनी बुक में दिए, कम्युनिटी एंड सोसाइटी में, ठीक है। और ये 1887 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। इन शॉर्ट, गमेनशाफ्ट मीन्स कम्युनिटी एंड गजेलशाफ्ट मीन्स एसोसिएशन, ठीक है। नामों से ही पता लग रहा है कि गमेनशाफ्ट कम्युनिटी होती है, तो कम्युनिटी क्या होती है, जिसमें प्यार अधिक होता है, ठीक है, जिसमें तालमेल, परस्पर आपस में प्रेम जो होता है, सहयोग की भावना जो होती है आपस में, हेल्पिंग नेचर होता है, तो वो कम्युनिटी में होता है। और ये जो गजेलशाफ्ट है, ये एसोसिएशन। अब एसोसिएशन क्या है, ये थोड़ी सी ऑफिशियल टर्म लग रही है, थोड़ी सी प्रोफेशनल लग रही है। तो आप देखिए कि ऑफिस के एनवायरनमेंट को थोड़ा सा इमेजिन करके आप सोचिए कि ऑफिस में क्या होता है, कि कोई भी इमोशनल टाइज उसमें होती नहीं है ऑफिस के लोगों में। साथ में अलग अलग तरह के लोग इकट्ठे होके अपनी अपनी जॉब करते हैं और शाम को 5 बजे घर चले जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ भी इमोशनल टाइज नहीं होती हैं, प्रोफेशनल टाइज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ओके। तो ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ गई, ओके, अब देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। गमेनशाफ्ट को पहले पकड़ के चलते हैं कि क्या है ये गमेनशाफ्ट, ठीक है। गमेनशाफ्ट रिप्रेजेंट्स ए विलेज सोसाइटी, ठीक है। तो विलेज सोसाइटी है, जैसे पहले बताया, रूरल सोसाइटी इन विच क्लोज एंड डीप रिलेशनशिप्स टेक्स प्लेस, ठीक है। तो क्लोज एंड डीप रिलेशनशिप इसमें होते हैं, विलेज सोसाइटी में क्लोज एंड डीप रिलेशनशिप होती हैं, ठीक है। आप और हम में से बहुत सारे लोग विलेज सोसाइटी से ही बिलोंग करते हैं। द वर्ड गमेनशाफ्ट मीन्स कम्युनिटी, ठीक है। तो गमेनशाफ्ट का क्या मतलब है, कम्युनिटी, ठीक है। गमेनशाफ्ट का मतलब होता क्या है, कम्युनिटी। गमेन रिप्रेजेंट, अब दो वर्ड्स हैं ये, ठीक है। तो दोनों को मिलाने से ये बना, तो गमेन रिप्रेजेंट कॉमन एंड शाफ्ट रिप्रेजेंट शिप, ठीक है। तो कॉमन शिप, ठीक है, आपस में मिलजुल के एक ही नाव में तो सारे सवार हैं, तो इसका मतलब आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस फिलॉसफी को ध्यान में रख के ये टर्म्स दी गई है।
गबेन शाफ्ट रेफर्स टू द ग्रुपिंग्स बेस्ड ऑन द फीलिंग्स ऑफ यूनिटी एंड वननेस. तो ठीक है, यूनिटी होती है, वननेस होती है, सॉलिडैरिटी होती है गबेन शाफ्ट में. ठीक है, हम ये सोशल ग्रुप कर चुके हैं पहले, तो सोशल ग्रुप के अंडर ये आगे गबेन शाफ्ट और गजेल शाफ्ट वाली टर्म्स आती हैं. ठीक है, तो जिन लोगों ने वो सोशल ग्रुप वाला वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं, चैनल पे है. ठीक है, ओके. फैमिली एंड नेबरहुड कैन बी टेकन एज एग्जाम्पल्स ऑफ इट. ठीक है, तो फैमिली और नेबरहुड, ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. फैमिली में इमोशनल टाइज होती हैं और नेबरहुड में भी इमोशनल टाइज होती हैं. ठीक है, आपस में लोग बड़े प्यार प्रेम से भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ इंटरेक्ट होते हैं. ठीक है, तो बड़े प्रेम से लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, फ्रेंडशिप होती है, रिलेशनशिप्स होती हैं. ठीक है, कोई नया पड़ोसी आए और काफ़ी सालों तक रहे तो उसके साथ इमोशनल टाइज हो जाती हैं, साथ रहते रहते हैं. कुछ सालों बाद अगर वो ट्रांसफ़र होकर कहीं चला भी जाता है तो भी लोग एक दूसरे को गले लगा के रोते हैं और पुरानी मेमोरीज़ को याद करते हैं. तो ये गबेन शाफ्ट वाली बात है. ठीक है, द वैल्यूज़ फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन समथिंग इज़ कॉमन इन इट. ठीक है, वैल्यूज़ फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन समथिंग इज़ कॉमन. ठीक है, तो एक ही तरह के सोच सकते हैं आप कि एक ही तरह का उनका फेथ है, एक ही तरह के रिलीजन को वो फॉलो करते हैं, एक ही तरह के गॉड को वो फॉलो करते हैं, एक ही तरह के, जनरली ऐसा देखा गया, ऐसा होता है जनरली. ठीक है, तो एक ही तरह का प्रोफेशन उनका होता है. फॉर एग्जाम्पल, रूरल सोसाइटीज़ में ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी वो होती है, तो सेम प्रोफेशन हो गया और सेम फेथ हो गया. ठीक है, वैल्यूज़ भी एक ही तरह की होंगी क्योंकि सेम सोसाइटी में सारे रहते हैं. तो गबेन शाफ्ट की ये सब, ये क्वालिटी सब क्या है, गबेन शाफ्ट की. ठीक है, और देयर इज़ सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग इन एंड एडमायरेशन फॉर म्यूचुअल अफेक्शन. अब ये क्या है, सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग होता है. ठीक है, सिंपैथी एंड इमोशनलाइज होंगी तो सिंपैथी भी होगी, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, एक दूसरे को समझते हैं सब, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं सब. और एडमायरेशन फॉर म्यूचुअल अफेक्शंस, म्यूचुअल अफेक्शन, तो एडमायरेशन फॉर म्यूचुअल अफेक्शन क्या है, तो एक दूसरे को, मतलब जैसे होता है ना कि फैमिली में अगर बच्चे को बढ़ावा देते हैं कि बेटा ये शेयर करके खाओ, ठीक है, ये हमारे नेबर्स हैं, अंकल को नमस्ते करो, अंकल दे रहे हैं कुछ चॉकलेट दे रहे हैं तो आपको, आप बदले में उनको थैंक यू बोलो. ठीक है, तो ये जो म्यूचुअल अफेक्शन बिल्ड करने का एक जो तरीका है, तो इसको बढ़ावा दिया जाता है, इसको प्रेफरेंस दिया जाता है किस में, गबेन शाफ्ट में. ठीक है, सोशल इंटरेक्शंस आर रिलैक्स्ड एंड फ्रेंडली. ठीक है, इन इट्स काइंड. ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शंस कैसी होती हैं, रिलैक्स्ड एंड फ्रेंडली. ठीक है, तो कोई भी इसमें डिसिप्लिन वाली और प्रोफेशनलिज्म वाली बात नहीं होती. सोशल इंटरेक्शंस बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं, फ्रेंडली मैनर में लोग रहते हैं. ठीक है, और आगे देखते हैं, होमोजीनियस पीपल आर देयर इन इट. ठीक है, एक ही तरह के लोग इसमें होते हैं. ठीक है, इसलिए तो एक ही तरह की वैल्यूज़, एक ही तरह की बिल्डअप हुई, फेथ एक ही तरह का हुआ, कॉन्फिडेंस एंड जिसमें भी वो विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, सोचते हैं, धारणाएं मन की इनकी जो भी हैं वो सब एक ही जैसी पाई जाती हैं किसमें, गबेन शाफ्ट में. ठीक है, सॉरी. अच्छा, तो आगे देखते हैं, होमोजीनियस पीपल आर देयर इन इट एंड रूरल सोसाइटी कैन बी कंसिडर्ड एज गबेन शाफ्ट. ठीक है, तो रूरल सोसाइटी कैन बी कंसिडर्ड एज गबेन शाफ्ट. ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, रूरल सोसाइटी गबेन शाफ्ट के, गबेन शाफ्ट का जो कंसेप्ट है उसमें रूरल सोसाइटी बिल्कुल फिट बैठती है. गबेन शाफ्ट ब्रॉडली मीन्स ए कम्यूनल और ट्रेडिशनल सोसाइटी, तो ये भी इसको कह सकते हैं, कम्यूनल सोसाइटी कह सकते हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी इसको कह सकते हैं, किसको, गबेन शाफ्ट को. ठीक है, अब ये गबेन शाफ्ट हो गया. अब आगे देखते हैं कि गजेल शाफ्ट है, अगर आप इनको थोड़ा सा अपने आसपास के, जैसे वो डेली लाइफ वाली बात होती है ना, तो उससे भी अगर आप इसको कंपेयर करेंगे आसपास के लोगों से, अंकल से, आंटी से, उस तरह से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे जैसे जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, तो भी शायद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ है क्या. ओके, अब देखिए यहाँ पे आ गया नेक्स्ट गजेल शाफ्ट. ठीक है, अब ये गजेल शाफ्ट क्या है, गजेल शाफ्ट
इन गजेल शाफ्ट पीपल कम फ्रॉम अनलाइक रीजन्स एंड फॉर्म हेट्रोजीनियस सोसाइटीज़। ठीक है, तो ऊपर होमोजीनियस सोसाइटी था, अब यहाँ पे क्या है, हेट्रोजीनियस सोसाइटीज़ है। ठीक है, लोग एक दूसरे के साथ, कोई साउथ इंडिया से है, कोई नॉर्थ इंडिया से है, कोई ईस्ट इंडिया से है, कोई वेस्ट इंडिया से है, कोई असमी है, कोई गुजराती है, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी एथनीसिटी से है, और कोई गोरा है, कोई काला है, अलग अलग कास्ट क्रीड कलर के लोग, अलग तरह के लोग इकट्ठे होंगे, तो और वो साथ में कोई कन्नड़ है, तो इस तरह के लोग आपस में एक ही ऑफिस में मिलके काम करेंगे। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इनका एग्जांपल हो सकता है, साथ में रहते हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तो और कंपनीज में मिलके काम करते हैं, ड्यू टू प्रोफेशन, ड्यू टू ऑक्यूपेशन वो वहाँ पे आते हैं, अपने अपने गांव से, अलग अलग जगह से इकट्ठे होते हैं। तो अगर इतने दूर से वो सिर्फ काम के लिए आएंगे तो उनमें रिलेशंस भी कैसे ही होंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल होंगे, इमोशनल टाइज कम होंगे, बहुत हद तक कम होंगे। ठीक है, इन गजेल शाफ्ट पीपल कम फ्रॉम अनअलाइक रीजन्स। ठीक है, डिफरेंट रीजन्स से वो आते हैं, फॉर्म हेट्रोजीनियस सोसाइटीज़। ठीक है, मॉडर्न अर्बन सोसाइटीज़ आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गजेल शाफ्ट। ठीक है, तो मॉडर्न अर्बन सोसाइटीज़ जो हैं वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, आजकल की जो सोसाइटीज़ हम देखते हैं, ठीक है, गजेल शाफ्ट इज़ ए जर्मन वर्ड कंप्राइजिंग ऑफ गजेल एंड शाफ्ट। ठीक है, तो ये जर्मन वर्ड हो गया, तो इसमें दो वर्ड से ये बनता है, एक गजेल एक शाफ्ट। गजेल मीन्स सोसाइटी एंड शाफ्ट मीन्स शिप। ठीक है, तो सोसाइटी है और शिप है। ठीक है, तो एक सोसाइटी अगर साथ में एक नाव पे सवार होके जा रही है, तो इस तरह का इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक ऐसे याद रखने की, इसको एक ट्रिक जैसी बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, आप कुछ भी ट्रिक लगा के इसको याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। इन गजेल शाफ्ट वी आस्क फॉर सपोर्ट। ठीक है, गजेल शाफ्ट में होता है क्या है कि सपोर्ट हम एक दूसरे से चाहते हैं। ठीक है, हम मतलब हमें कोई ना कोई एक यू नो वी कम मतलब हमें कोई ना कोई मतलब होता है, कुछ ना कुछ काम होता है, वी गेट इन्फॉर्मेशन वी नीड। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए या फिर हमें कोई काम करवाना है, वी हायर और गेट समबडी टू गेट थिंग्स डन फॉर अस। ठीक है, तो हम किसी ना किसी को हायर करते हैं और किसी ना किसी से काम करवाने के लिए, अपने काम करवाने के लिए, ठीक है, अपना कुछ भी, तो उसके लिए हम किसी ना किसी को बुलाते हैं, किसी ना किसी से काम लेते हैं, किसी ना किसी को हायर करते हैं। ठीक है, तो ये अगर ऐसा होगा तो फिर रिलेशंस भी प्रोफेशनल ही होंगे, क्योंकि जो आ रहा है वो भी काम करने के लिए आ रहा है। ठीक है, वो किसी भाईचारे के लिए तो आ नहीं रहा है, वो अपना पैसा लेगा, आपका काम करेगा और जाएगा, तो रिलेशंस वहाँ पे प्रोफेशनल हो जाएंगे, इमोशनल टाइज बहुत कम हो जाएंगी। द एग्जाम्पल ऑफ गजेल शाफ्ट कैन बी ए कंपनी। ठीक है, तो एक कंपनी को आप एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि एक कंपनी के ऑफिस में कोई काम कर रहा है, तो एक किस तरह के वहाँ पे एनवायरनमेंट होगा और कैसे रिलेशंस होंगी, कैसी उसमें टाइज होंगी। ठीक है, पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड डोंट नो ईच अदर इन पर्सन। ठीक है, अलग अलग, ये ऊपर भी देखा हमने, अनलाइक रीजंस, देयर इज नो फीलिंग कंसर्न। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कंसर्न नहीं है वहाँ फीलिंग वाला। ठीक है, तो भावनात्मक रूप से आप इस सोसाइटी को नहीं देख सकते, क्योंकि भावनाएं वहाँ है ही नहीं, शून्य मात्र हैं। रिलेशनशिप्स आर फॉर्मल, तो कैसे रिलेशनशिप्स हैं इसमें, फॉर्मल रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, तो फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो जहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ठीक है, सोसाइटी नेटिव्स आर हेट्रोजीनियस, तो ये तो देखा ही, अलग अलग जगह से आके लोग इकट्ठे होके एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं, जिसे गजेल शाफ्ट कहते हैं। इन लार्ज सिटीज़ अर्बन पॉपुलेशन कैन बी टेकन एज एग्जांपल ऑफ इट। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, इसका एग्जांपल हो सकती है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैन बी कंसिडर्ड एज गजेल शाफ्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सॉरी, गजेल शाफ्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एसोसिएशनल सोसाइटीज़। ठीक है, ये भी इसका एक नाम हो सकता है, एसोसिएशनल सोसाइटीज़। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए आप ऐसा भी बता सकते हैं, एसोसिएशनल सोसाइटीज़ इनको कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक बार फिर से बता दूँ कि ये सोशल ग्रुप जो हमारा टॉपिक था उसको हम देख रहे हैं, तो उसके अंडर ये हम पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं आगे क्या आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो जिन्होंने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो उनको रेफ़र कर सकते हैं। सोशियोलॉजी अभी हम देख रहे हैं, बीए फर्स्ट ईयर अभी हम देख रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ लगे कि कुछ हमारा छूट रहा है तो उसे हम धीरे धीरे सिलेबस वाइज जैसे आगे 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 टॉपिक वाइज कवर करते रहेंगे सब कुछ। ओके, थैंक यू, बाय।